एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर रिपीटर्स. फ्रेंड्स, आई नो अभी अगर कोई सबसे ज्यादा कंफ्यूज है तो वो हो आप लोग, दैट इज रिपीटर्स. एंड इट्स ऑब्वियस, बीइंग अ रिपीटर मुझे पता है हर एक पासिंग ईयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके साथ बढ़ता हुआ प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ आप लोगों का नहीं, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, सभी का. सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी कंफ्यूजन कम करने में हेल्प करे. सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट ड्रॉप होगा, कईयों का सेकेंड ड्रॉप होगा और कईयों का उससे ज्यादा. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है एंड इसे एंड तक देखिए. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर ड्रॉपर्स. बच्चों, आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि इफ यू आर डिटरमाइंड कि आप लोगों को एमबीबीएस ही परस्यू करना है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल स्टडी हार्ड. आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. गिव योरसेल्फ अनदर चांस इफ यू बिलीव यू कैन, बट याद रहे एफर्ट्स डालने हैं, पढ़ना है. आई विल सजेस्ट यू, अगर आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए एक मौका और दे सकते हैं, देन प्लीज गो फॉर इट. तो अब हम सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स की बात करते हैं. आप लोगों को सबसे पहले ये याद करने की जरूरत है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ड्रॉप क्यों लिया था. ऑब्वियसली अपने गोल को पाने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, डेट वॉज टू बिकम अ एमबीबीएस डॉक्टर. सबको बताने के लिए कि येस, नाउ आई एम अ डॉक्टर. आप सभी को ये याद करने की जरूरत है कि आपने अपने फर्स्ट ईयर ड्रॉप में क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या कमियां निकली हैं जिसकी वजह से आपका फर्स्ट ईयर खराब गया, मींस आपका फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाया. इस चीज को ध्यान से सोचिए. आई नो सेकेंड ईयर ड्रॉप करने के लिए कितना करेज चाहिए होता है. आई पर्सनली नो दिस फीलिंग क्योंकि मैंने भी 2 साल ड्रॉप किया था. फ्रेंड्स, हम सबको लगता है कि हमारा फर्स्ट ईयर, हमारा 1 साल खराब गया, बट ट्रस्ट मी, हमने उस 1 साल में बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ गेन किया है, जिसमें हम थोड़ी सी मेहनत और एफर्ट्स डाल के उसे अपने सिलेक्शन की बना सकते हैं एंड हम नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं. फ्रेंड्स, कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा है, बट वाइट अप्रिन भी तो पाना है. बट इफ यू आर एग्जॉस्टेड, अगर आप डीमोटिवेट हो चुके हैं, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप लोग इससे आगे नहीं पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते हो, नो नीड टू वरी गाइज, देर आर मैनी अदर मेडिकल ऑप्शन जिसमें आप कैरी ऑन कर सकते हो आगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके अंदर है कि आप लोगों को एमबीबीएस ही परस्यू करना है, देन अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप कीजिए एंड गो फॉर इट. अब हम उनकी बात करेंगे जिनके 2 साल से ज्यादा ड्रॉप हैं, जो अभी सबसे ज्यादा प्रेशर में है, कंफ्यूज्ड, एग्जॉस्टेड, डीमोटिवेटेड. फ्रेंड्स, इट्स ओके टू बी डीमोटिवेटेड, इट्स ओके टू बी एग्जॉस्टेड, बट इट्स नॉट ओके टू लूज होप. मेडिकल कॉलेज में कभी भी सिर्फ फर्स्ट ईयर ड्रॉपर या सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स नहीं होते. आप लोगों में और उन बच्चों में जिनका अगले साल सिलेक्शन होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आप लोग होप लूज कर चुके हैं, बट उन लोगों ने अपने सपने को एक और मौका दिया एंड नीट में सिलेक्शन पाया. दे फुलफिल देयर ड्रीम टू बिकम अ एमबीबीएस डॉक्टर. आई नो ड्रॉपिंग मोर देन 2 ईयर इज अ क्वाइट अ बिग डिसीजन. डिसीजंस अच्छे कब होते हैं, जब हम उन्हें प्रेशर फ्री होके सोचे, अपने आप को काम करके सोचे, टाइम दीजिए, खुद से बात कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या आप ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि दिस डिसीजन विल मेक और ब्रेक योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ एमबीबीएस डॉक्टर. इन सिंपल टर्म्स, आप अपने आप से बात करके पूछिए कि आप लोगों ने अपने पहले के ड्रॉप ईयर्स में क्या गलतियां करी हैं, अभी भी कोई इंप्रूवमेंट का चांस है या नहीं, अपनी कमियां ढूंढिए कि आपने कहाँ कमियां रखी है, चाहे वो थ्योरी में हो, चाहे वो रिविजन में हो, वो क्वेश्चंस में हो, या कोई अदर डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल है या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है. पता करिए, अपने आप से बात करिए कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या अभी भी इंप्रूवमेंट का चांस है, आप और एफर्ट्स डाल सकते हैं, देन चांस लीजिए, देन ड्रॉप कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से ही कई लोगों का सिलेक्शन अगले साल होना है. आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, जो बच्चे रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर इट, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि अगले साल एनटीए नीट का पैटर्न कैसे रखता है. सो अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, देन चूज प्राइवेट. अब आप में से कई बच्चे होंगे जो थक चुके होंगे, जो आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम वो सेम सिलेबस
इलेवंथ में भी पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं एंड ड्रॉप ईयर। आई नो इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। मैं 2 साल में तो बहुत थक गई थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है वो सेम सिलेबस रिवाइज करना। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, पहले तो बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, टीचर से। अगर आप लोग फिर भी नहीं होते हो, देन बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस हैं जिनका एंड रिजल्ट डॉक्टर ही है, चाहे वो BMS हो, BHMS हो, वेटनरी हो, कुछ भी। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इट्स यू, इट्स योर ड्रीम। अपने लिए जज कीजिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, आप कितना एफर्ट डाल सकते हो, कितने सेक्रीफाइसेस कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड मेरा एक स्पेशल मैसेज पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्रॉप करना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। प्लीज अगर आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे के इतने मार्क्स हैं कि वो नेक्स्ट ईयर नीट निकाल सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है, मेहनत कर सकता है, देन प्लीज उसे एक मौका दीजिए। क्योंकि जितना आप लोग उस पर ट्रस्ट करोगे, उतना वो खुद पे और ट्रस्ट कर सकता है एंड इम्प्रूव कर सकता है। थैंक यू।